तो हरियाणा सीएम मनोहर लाल का चुनावी प्रचार लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के कृष्णा नगर में उन्होंने संबोधित किया है और कहा कि केजरीवाल जनता को भ्रमित करने में लगी है और इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे और दिल्ली पहुंचे हैं हरियाणा के सीएम प्रचार करने के लिए। और उस समय और बहुत से लोग भी अन्ना हजारे की बातों से प्रभावित होकर या इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत लोग साथ लगे थे और सब लोगों ने उस समय तो अरविंद को अपना नेता मान लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो हरकतें हुई और जिस प्रकार से उस लक्ष्य को जिसको लेकर सरकार बदली गई थी उससे ओझल हुए और जिस प्रकार अपने यहां भी पार्टी में भ्रष्टाचार का एक बोलबाला उन्होंने दिखाया, उस सारे से परेशान होकर के जितने टीम इसकी थी एक एक करके सब भाग योगेंद्र यादव और जितने वायदे किए सब झूठे, कोई उसमें दम नहीं है।